नमस्कार, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरविंद कुमार। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के डोडा शहर से करीब 55 किलोमीटर दूर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में झुंझुनू जिले के दो जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान उनकी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें झुंझुनू के भैसावता कला निवासी अजय सिंह नरूका और डुमोली निवासी विजेंद्र सिंह दौराता शहीद हुए। दोनों शहीदों के पार्थिव देह बुधवार शाम जो है 7 बजे सेना के विशेष विमान से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचा, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद सेना के वाहन से उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा, जहां उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। आपको बता दें कि डुमोली गांव के लाड़ले विजेंद्र सिंह दौराता पुत्र रामजी लाल के शहीद होने की सूचना मिलने पर शोक की लहर दौड़ गई है। उनके घर वालों को फिलहाल जानकारी नहीं दी गई है, सिर्फ उनके छोटे भाई दशरथ सिंह को ही इसकी जानकारी है। दशरथ सिंह भी सेना में हैं, वो लखनऊ में तैनात हैं। सेना के अधिकारियों ने फोन पर दशरथ सिंह को विजेंद्र की शहादत होने की जानकारी दी और छुट्टी देकर उन्हें तुरंत गांव भेज दिया। विजेंद्र सिंह 2018 में सेना में भर्ती हुए थे। उनकी शादी 2021 में अंकिता के साथ हुई थी। उनके दो बेटे, एक 4 साल का और दूसरा 1 साल का है। वो फरवरी में चाचा का निधन होने पर गाँव आए थे। विजेंद्र 5 दिन पहले छुट्टी लेकर आने वाले थे, लेकिन आतंकी हमले अधिक होने के कारण उनकी छुट्टी जो थी वो कैंसिल कर दी गई थी। शहीद जवान विजेंद्र की पत्नी का सोमवार को जन्मदिन था। तब विजेंद्र ने शाम करीब 4 बजे उन्हें कॉल कर बधाई दी थी और ये उनकी आखिरी बात थी, और जल्द ही बातचीत में घर आने की भी बात कही थी। बहुत कोशिश के बाद भी उन्हें छुट्टी नहीं मिली और अब विजेंद्र अपने घर आ रहे हैं, लेकिन तिरंगे में लिपट कर वीर बलिदानी विजेंद्र सिंह जी को शिवालिक जर्नल कोटि कोटि नमन करता है। जय हिंद।